नमस्कार साथियों, दालचीनी के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन इसके तेल की जानकारी कम ही लोगों को है। आज हम आपको दालचीनी के तेल की जानकारी, इसके फायदे और इसका एक तंत्र प्रयोग भी बताएंगे, तो वीडियो को पूरी देखिएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। दालचीनी तेल की जानकारी। दालचीनी श्रीलंका का आदिवासी वृक्ष है। मुख्यतः यह सिंहल, मालाबार, कोचिन, चीन, सुमात्रा, जावा इत्यादि देशों में अधिक होता है। भारत में भी इसे पैदा किया जाता है। इसके वृक्ष मध्यम कद के सदा हरित होते हैं। इसकी टहनियां चपटी एवं चिकनी होती है। इसके पत्ते तमाल पत्र की तरह होते हैं। पत्तों में विशिष्ट खुशबू होती है। वृक्ष के अग्र भाग में स्थित वृंद पर सफ़ेद रंग के फूल आते हैं। फूलों में गुलाब से मिलती जुलती गंध आती है। फल करौंदे के समान कुछ सफ़ेद तथा लाल होते हैं। इस वृक्ष की पतली त्वचा छाल को दालचीनी कहा जाता है। इसी जाति के जो बड़े पेड़ होते हैं उनकी छाल मोटी होती है, उन्हें तेज कहते हैं। यह उतनी सुगंधित नहीं होती है। इसकी छाल के आसवन से तेल प्राप्त किया जाता है, इसे दालचीनी का तेल कहते हैं। दालचीनी के तेल में मुख्य रूप से सेनिमिक एल्डिहाइड होता है। इसके अतिरिक्त यूजेनॉल तथा कुछ अन्य रसायन अलग मात्रा में पाए जाते हैं। ताजी अवस्था में यह तेल हल्के पीले रंग का होता है, जो कुछ समय तक रखा रहने पर लालिमा लिए हुए भूरे रंग का हो जाता है। आयुर्वेद अनुसार दालचीनी का तेल नाड़ी, प्रतान तथा नर्वस में उत्तेजना प्रदान करता है। साथ ही उदर के लिए लाभदायक, जीवा स्तंभक को समाप्त करने वाला, आंत्रशूल का शमन करने वाला, वमन को रोकने वाला तथा एंटीसेप्टिक होता है। अधिक मात्रा में लेने पर यह विष जैसा काम करता है। उत्तेजना प्राप्त करने हेतु 250 ग्राम गर्म दूध में 2 बूंद दालचीनी का तेल मिलाकर लेने से नर्वस उत्तेजना होती है। यह उत्तेजना रति आनंद की वृद्धि करती है, किंतु इसे नियमित रूप से प्रयोग नहीं करना चाहिए। नियमित प्रयोगार्थ इसकी छाल के 2 चुटकी चूर्ण को दूध में उबालकर ले सकते हैं। इससे स्तंभन तो होता ही है, लिंग भी मजबूत होता है। आंत्रशूल से मुक्ति हेतु। आंत्रशूल होने पर एक बतासे में 2 बूंद दालचीनी का तेल लेकर ऊपर से पानी पी ले। इस प्रयोग को 2-3 बार करने से उत्तम लाभ होता है। वमन की स्थिति बनने पर दालचीनी के तेल की 2 बूंद की मात्रा जल में डालकर पीने से वमन अर्थात उल्टी रुक जाती है। वर्णों पर एक रुई के फूल की सहायता से दालचीनी का तेल लगाने से वे ठीक हो जाते हैं। जीवा स्तंभित। कई लोगों की जुबान स्तंभित हो जाती है, जिसके कारण वे स्पष्ट बोल नहीं पाते अथवा उन्हें बोलते समय कठिनाई महसूस होती है। ऐसे लोगों को दालचीनी के तेल की 2 बूंद अपनी जीभ पर रखकर उसे फैला लेना चाहिए। इस प्रयोग से जुबान पतली हो जाती है तथा उसका स्तंभन समाप्त हो जाता है। तेल उपलब्ध ना हो पाने की स्थिति में दालचीनी की छाल को चूसकर भी उक्त लाभ प्राप्त किया जा सकता है। दालचीनी के तेल का चमत्कारिक उपयोग। जिस लड़की की शादी ना हो पा रही हो, उसके शयन कक्ष में 1 चम्मच जैतून के तेल में 1 बूंद दालचीनी का तेल मिलाकर दीपक लगाएं। यह दीपक कम से कम 10 मिनट तक जलना चाहिए। इस प्रकार से कम 60 दिनों तक नित्य ही यह दीपक लगाएं। इसके बाद कन्या का शीघ्र विवाह का मार्ग प्रशस्त होगा। उसके रिश्ते की बात चलने लगेगी और ईश्वर की कृपा से विवाह शीघ्र हो जाएगा। नित्य 10 मिनट तक कुछ दिनों तक जलाने पर सकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं। यह सभी जानकारी निरोग दुनिया प्रकाशित चमत्कारिक तेल पुस्तक से ली गई है। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई है और इस प्रकार तेलों की जानकारी आप और प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल आयुर्वेद के पन्नों से जुड़ें। धन्यवाद। वंदे मातरम।